Assalamu alaikum, dear students. I am Fakhr Yar and our topic is we are discussing gender studies. Or gender study ka ek chota sa topic hai, autonomy versus integration debate in gender studies. Dear students, gender study jo subject hai, iske upar debate ye chal rahi hai ki is subject ko ek khud mukhtiyar, ek separate subject, ek separate field honi chahiye. जेंडर स्टडी को ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब इंडिपेंडेंट, सेपरेट, खुद मुख्तियार, आजाद, सेपरेट ऑटोनॉमी, या फिर इसको वर्सेस इंटीग्रेशन, या इसको यूनाइट, इंटीग्रेशन मीन यूनाइट कर दें किसी और सब्जेक्ट के साथ. आज पूरे के पूरे लेक्चर में सिर्फ यही बात डिस्कस होगी, इसी बात के ऊपर डिबेट होगी, इसी बात के ऊपर बहस होगी, आर्गुमेंट्स दिए जाएंगे ऑटोनॉमी की साइड पर भी और इंटीग्रेशन की साइड पर भी. अगर ऑटोनॉमी होनी चाहिए तो उसका क्या फायदा नुकसान है, इंटीग्रेशन कर दे इसका क्या फायदा नुकसान है. ठीक है जी, तो इसके ऊपर जस्ट एक डिबेट है, ये छोटा सा टॉपिक है जो कि बहुत आसान है. फेमिनिस्ट बिलीव दैट, फेमिनिस्ट जो लोग फेमिनिज्म को प्रमोट करते हैं उनको फेमिनिस्ट कहते हैं. जिस तरह से फिजिक्स के साइंटिस्ट को फिजिसिस्ट कहते हैं, बायोलॉजी के प्रोफेसर को बायोलॉजिस्ट कहते हैं, इस तरह से जो फेमिनिज्म के, जेंडर स्टडी के, जो वुमेन स्टडी के प्रोफेसर उनको कहते हैं फेमिनिस्ट. फेमिनिस्ट बिलीव दैट जेंडर स्टडी शुड बी अ सेपरेट डिपार्टमेंट. जो फेमिनिस्ट के फॉलोअर्स हैं, जो फेमिनिस्ट के तालिब इल्म हैं, बहुत बड़े तालिब इल्म हैं. तालिब इल्म का मतलब यह है कि जो भी, मैं भी एक तालिब इल्म हूँ, आप भी एक तालिब इल्म हैं. फर्क यह है कि सीनियर जूनियर का फर्क है. बाकी जो इंसान दुनिया में आता है वो सारी जिंदगी तालिब इलम ही रहता है. तालिब इलम का लफजी मतलब है तालबे इलम, जिसको इलम की तलब हो. इसलिए जो प्रोफेसर हजरात हैं, जो हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, वो भी तो तालिब इलम हैं, वो हमारे सीनियर तालिब इलम हैं. हम जूनियर हैं, वो सीनियर हैं. ठीक है, तो जो इसके तालिब इलम हैं, जो सीनियर्स हैं, वो ये कहते हैं कि ये एक सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए. या फिर दूसरा ऑप्शन ये है, दूसरा सेकंड ऑप्शन यह है विद अदर इंटीग्रेशन, या दूसरा ऑप्शन यह है कि इसको किसी सब्जेक्ट के साथ यूनाइट कर देते हैं, किसी सब्जेक्ट में मर्ज कर देते हैं, इसको सेपरेट डिसिप्लिन नहीं बनाते. लो जी, ये दो नजरिए हैं. फेमिनिस्ट चाहते हैं कि इसको सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जाए, या फिर क्या किया जाए, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ मर्ज कर दी जाए. अब दूसरे किसके साथ मर्ज करेंगे, एक ही डिपार्टमेंट बनता है वुमन स्टडी का. ठीक है, जेंडर वुमेन स्टडी का जिसके साथ मर्ज करेंगे. तो ऑटोनॉमी मतलब जो चाहते हैं कि इसको सेपरेट फील्ड बनाया जाए, उनके भी आर्गुमेंट्स हैं और इंटीग्रेशन के भी आर्गुमेंट्स हैं. दोनों देख लेते हैं. ऑटोनॉमी वाले क्या कहते हैं, बाय सेपरेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट फोकस विल इंक्रीज. वो ये कहते हैं कि अगर इस सब्जेक्ट को एक सेपरेट फील्ड बना दें तो इस सब्जेक्ट के ऊपर जो फोकस है, पढ़ने का फोकस, रिसर्च का फोकस, स्टूडेंट का फोकस, और इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस का जो फोकस है, इससे जो हम नताइज हासिल करना चाहते हैं, इस सब्जेक्ट से जो हम हासिल करना चाहते हैं, जो आफ्टर मैथ है इस सब्जेक्ट का, वो भी जल्दी हासिल हो जाएगा, उस पर लोगों का फोकस बढ़ जाएगा. पॉइंट नंबर टू, ऑटोनॉमी विल गिव मोर मीनिंग्स. किसी भी सब्जेक्ट के मीनिंग्स तब पता चलते हैं. मीनिंग्स का मतलब वो मतलब वाला लफ्जी मतलब नहीं है. यहां पर मीनिंग्स का मतलब है उस सब्जेक्ट की वर्थ, उस सब्जेक्ट को कितने लोग पढ़ते हैं और उसका प्रैक्टिकल फील्ड इंपॉर्टेंस क्या है. ठीक है, वो कहते हैं कि अगर सेपरेट कर दें तो सब्जेक्ट की वर्थ, सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी. नंबर थ्री, रिसर्च कल्चर ऑन द सब्जेक्ट विल इंक्रीज. अगर आप इसको एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दें जेंडर स्टडी को, तो इसके ऊपर स्टूडेंट का एक रिसर्च कल्चर जो है सब्जेक्ट के ऊपर, वो सेपरेटली इंक्रीज हो जाएगा. पॉइंट नंबर फोर, इंटीग्रेशन विल निगेट जेंडर स्टडीज. ऑटोनॉमी वाले कहते हैं कि अगर आपने इंटीग्रेट कर दिया तो वो वुमेन स्टडी जो है ऑलरेडी उस पर डिस्कशन हो रही है, उस पर रिसर्च भी हो रही है, उसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी है, तो जेंडर स्टडी या जेंडर इक्वालिटी का जो इशू है वो निगेट हो जाएगा. वो ये जेंडर स्टडी वुमेन स्टडी के सब डिपार्टमेंट अंडर आ जाएगा, वो वुमेन स्टडी ही कहलाएगा. जेंडर इक्वालिटी का इशू कभी सॉल्व नहीं हो सकेगा. नंबर फाइव, इफ नॉट सेपरेटेड जेंडर इनइक्वालिटी इशू विल बी नेगेटेड. अगर सेपरेट ना किया तो जेंडर इक्वालिटी कभी आ जाएगी ये उम्मीद
नहीं लगानी। इंटीग्रेशन वाले क्या कहते हैं, जो कहते हैं मर्ज कर दो। नंबर वन, यूजफुल इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव। अगर आप इसको जो है ऐड कर देते हैं एज अ सब फील्ड वुमेन स्टडी में या किसी अदर डिपार्टमेंट में, तो पहली बात है यूजफुल इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव। न्यू बिल्डिंग्स, न्यू डिपार्टमेंट्स, न्यू सिलेबस, न्यू पब्लिशिंग, न्यू रिसर्च, न्यू लेबोरेटरीज, न्यू मटेरियल, न्यू कल्चर, किसी चीज की जरूरत नहीं है। कॉस्ट भी बच जाएगी, बजट भी बच जाएगा। दूसरी बात, एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग डिसिप्लिन। जो एग्जिस्टिंग डिसिप्लिन है वुमेन स्टडी का, उसके अगर आप अंडर ले आते हैं तो उसकी वर्थ भी बढ़ जाएगी, उसकी इंपॉर्टेंस, उसका रिसर्च कल्चर भी बढ़ जाएगा, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट खुद उसके अंडर आ जाएगा। पॉइंट नंबर थ्री, लार्ज कम्युनिटी रीड इट। लार्ज कम्युनिटी कैन रीड इट। अगर आप जेंडर स्टडी को किसी और सब्जेक्ट में मर्ज करते हैं तो उस सब्जेक्ट की वर्थ बढ़ने से उस सब्जेक्ट को ज्यादा लोग पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर फोर, वुमेन स्टडी स्कोप विल इंक्रीज। जिस सब्जेक्ट मेन जो सब्जेक्ट होगा उसका अपना स्कोप इंक्रीज हो जाएगा। और पॉइंट नंबर फाइव, विद इंटीग्रेशन नो नीड टू पब्लिश न्यू लिटरेचर रिसर्च एंड एटसेट्रा। ठीक है जी, तो ये पांच पॉइंट्स जो हैं ऑटोनॉमी को प्रमोट करते हैं, ये इंटीग्रेशन को डिबेट प्रमोट करते हैं। तो ये एक सिंपल सी डिबेट हमने देखी है जो कि बहुत आसान है। डियर स्टूडेंट्स, जेंडर स्टडी के हवाले से किसी किस्म की आपको गाइडेंस की जरूरत हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जॉन्ग का नंबर है, इस पे व्हाट्सएप बना हुआ है, 0313-795-0086। आप अपना नाम लिखकर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, किसी भी किस्म की गाइडेंस की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। आज का हमारा लेक्चर खत्म हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि ऑटोनॉमी और इंटीग्रेशन डिबेट जेंडर स्टडी के ऊपर क्या होती है। थैंक यू सो मच।